सिब्बी में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शूटिंग बॉल मैच का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी कर्नल जियाउल्लाह ने कहा कि मैच के जरिए दुनिया तक अमन का पैगाम पहुंचाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां यूसुफ। बलूचिस्तान के तारीखी शहर सिब्बी में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर दीर्घाहाल के सब्जाजार में शूटिंग बॉल का शानदार मैच खेला गया, जिसके मेहमान खसूसी एफसी के कर्नल जियाउल्लाह थे, जबकि मैच में डायरेक्टर तरकियात राजा वकारुज्जमा कियानी, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात फतेह मोहम्मद खज्जर, पाकिस्तान शूटिंग बॉल फेडरेशन के सीनियर नायब सदर लाला अब्दुल करीम लूनी समेत शायकी ने शूटिंग बॉल ने शिरकत की। जैसा कि आप जानते हैं कि शूटिंग बॉल बहुत ही खेल है हमारा, और ये हमारा खास देहातों का वर्षा है, और खास करके हमारे सिब्बी में ये एक सदी में कहूँ भी कम होगी कि यहाँ मशहूर हमारा ये खेल है, जो हर साल आल पाकिस्तान के हिसाब से ये हमारा जो मेला होता है जिसने सिब्बी, इसके हिसाब से ये हुआ करता है। इसमें कोई शक नहीं कि खिलाड़ी मुल्कों के सफीर होते हैं जो खेल के जरिए अमन का प्रचार करते हैं। शूटिंग बॉल मैच के निकाल से सिटी में शूटिंग बॉल के खेल समेत खिलाड़ियों और शायकीन में कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती को भी फरोग दिया गया और खेल के जरिए दुनिया तक अमन का पैगाम पहुंचाया गया। वॉलीबॉल एक बहुत ही गरीब खेल है और ये तमाम नौजवान जो है नशे पते से भी बच जाते हैं, दूसरे इवेंट से भी बच जाते हैं, जो मसरूफियात उनकी होती है पूरी उनसे बच जाते हैं। वॉलीबॉल एक बहुत ही अच्छी गेम है और माशाल्लाह हमारे सीनियर नायब सदर पाकिस्तान फेडरेशन के जनाब अब्दुल करीम लोनी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमारे ये टूर्नामेंट हमारे लिए मुनक्कद कराते हैं और हमें। माय सिटी माय न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 7newspk.tv और देखते रहिए 7 न्यूज़ HD।